गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का सुनीता एंड स्पेस के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना। तो हमने कल इसके आधे किए थे, आज हम बाकी करेंगे। देखो ये जो है ना, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अर्थ, जो हमने स्पेस से ली पिक्चर है किसकी, हमारी ज़मीन की। तो ये किस तरह दिखती है, ग्लोब की तरह दिखती है। कैन यू सी इंडिया? यस आई कैन सी इंडिया ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे हम इंडिया एकदम देखते हैं, क्योंकि इंडिया का मैप हमें पता है किस तरह का है, तो हम एकदम से हमें पहचान देते हैं ग्लोब पे इंडिया। कैन यू रिकोगनाइज एनी अदर प्लेस, कोई भी? हाँ यस, हम और जगह भी देख सकते हैं ग्लोब के ऊपर, जैसे श्रीलंका ऑन द ग्लोब, ठीक है ना। वॉट इज, वेयर इज द सी, हमें कैसे पता चला समुंदर कहाँ पे है? ब्लू कलर ऑन द ग्लोब इंडिकेट्स वाटर, जैसे जो ब्लू ब्लू कलर है ना, इसका मतलब है यहाँ पे पानी है। Do you find anything similar between globe and this picture of the earth? In what way they are different? कहते अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो अर्थ की, क्या आपको इनमें कुछ वो लग रहा है, कुछ सिमिलरिटीज़ लग रही हैं, यानी इनमें कुछ मिलता जुलता है आपस में, या इनमें कुछ ये अलग है, ये एक दूसरे से अलग किस तरह हैं, ठीक है ना। तो similarities between the globe and earth is that we can identify which part is land and which part is sea. ग्लोब और अर्थ में similarities ये हैं, मिलता जुलता ये है कि हम अर्थ और जैसे ग्लोब और अर्थ is that we can, हम एकदम से identify कर सकते हैं कौन सा हिस्सा इसका ज़मीन है, कौन सा हिस्सा इसका समुंदर है, पानी है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर कंट्री, मगर हाँ एक चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ एक पर्टिकुलर कंट्री, जैसे हम बोलेंगे फलानी कंट्री कहाँ पे है, वो देखनी, पर्टिकुलर कंट्री और सिटी इन द ग्लोब। एक ग्लोब के ऊपर हमें एक पर्टिकुलर कंट्री या सिटी फाइंड करनी मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम ज़मीन या हम पानी का बोलते हैं तो वो हम एकदम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Do you think Sunita could make out Pakistan, Nepal, Burma separately when she saw the picture from space? कहते हैं जब सुनीता ने ऊपर से स्पेस से जाके स्पेस शिप में जब इस हमारी ज़मीन की पिक्चर देखी, तो आपको लगा कि उसने पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, नेपाल, बर्मा सेपरेटली, उनको सेपरेटली देखा हर कंट्री को, शी सॉ फ्रॉम द स्पेस? नो, ऐसा नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई दीज कंट्रीज, क्यों नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल है इतनी दूर से जाके अलग अलग कंट्री को आइडेंटिफाई करना कि फ़लानी कंट्री तो फ़लानी कंट्री, ठीक है। सिंस नो पर्टिकुलर कंट्री कैन, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री ऊपर से विजिबल नहीं है, विजिबल फ्रॉम द स्पेस। बस ये लगता है कि ज़मीन दिखती है और पानी दिखता है। अब आई लुक एट द ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल, आप अपने स्कूल में ग्लोब देखो सब बच्चे और बोलो। एनसीईआरटी आंसर्स फ्रॉम क्लास, एनसीईआरटी बुक के कारण। कैन यू फाइंड इंडिया? क्वेश्चन फर्स्ट, येस वी कैन फाइंड इंडिया। इंडिया का मैप देखे हम एकदम से बोलते हैं, जब ग्लोब में हम देखते हैं ना मैप इंडिया का, ठीक है ना, आप सबको पता है इंडिया का मैप, सब ने देखा है, तो एकदम से हम आइडेंटिफाई करते हैं दिस इज़ अवर कंट्री, ठीक है ना। तो वेयर डू यू फाइंड द सी, सी कहाँ से हमें पता चलता है कि समुंदर कहाँ पर है? जब ब्लू कलर्ड पार्ट है, जो ब्लू कलर्ड पार्ट है जिसमें ब्लू कलर हुआ है, उसको हम बोलेंगे ये समुंदर है, इज़ द सी। विच कंट्रीज़ कैन यू सी, हम कौन कौन सी कंट्रीज़ देख सकते हैं उसमें ग्लोब में? आई कैन सी ऑल द कंट्रीज़ लाइक, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, जर्मनी, यूरोप, ऑल दिस कंट्रीज़ वी कैन आइडेंटिफाई ऑन, यू कैन सी ऑन ऑल दिस कंट्रीज़ वी कैन सी ऑन मैप। अच्छा, कैन यू सी समवन ऑफ द कंट्रीज विद विच इंडिया प्ले क्रिकेट मैच, फॉर एग्जाम्पल? कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विद विच इंडिया कैन प्ले क्रिकेट मैच, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका? येस आई कैन सी ऑल दीज कंट्रीज, हम मैप पे ये कंट्रीज आराम से देख सकते हैं, कौन सी ग्लोब पे, यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, ये हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके, ग्लोब के ऊपर, ठीक है। गॉट इट?
सो दिस इज, तो जो आज हमने पढ़े थोड़े से क्वेश्चन जो पढ़े हमने चार पांच, आप क्या करोगे, अपनी कॉपीज नोटबुक्स निकालोगे, उस पर लिखोगे ये क्वेश्चन, उसको साथ साथ में लर्न भी करोगे।